is wrong, all the attraction, attention. What you see, baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea. एक और वीडियो के साथ इंडी एनसीआर में कोई इवेंट और मैं उसे कवर ना करूं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज मैं आप सभी को लेकर आ गई हूं म्यूजिक एंड मसाला फेस्ट में, जो कि लगा हुआ है नोएडा में। तो एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या है, टिकट प्राइस क्या है, टाइमिंग क्या है, कब तक ये इवेंट चलेगा, क्या क्या आप यहाँ खा पी सकते हैं, क्या क्या चीजें एंजॉय कर सकते हैं, कौन कौन सा आर्टिस्ट आगे लाइनअप है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब ज्यादा इंट्रो ना देते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो म्यूजिक एंड मसाला फेस्ट लगा हुआ है नोएडा के जीआईपी मॉल में, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका है वेव नोएडा सेक्टर 18। तो जीआईपी मॉल के गेट नंबर 3 से इसकी एंट्री है, और ये मॉल की बैक साइड पे लगा हुआ है। पार्किंग आपको यही मिल जाएगी मॉल के बैक साइड पर ही, और पार्किंग चार्जेस हैं 70 रुपीज। तो टिकट की बात की जाए तो आप इसके बॉक्स ऑफिस से टिकट कैश में ही परचेज कर सकते हैं, या फिर बुक माई शो से भी आप इसकी टिकट परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो वो आपको पड़ेगी 300 पर पर्सन, बट अगर वही टिकट आप ऑनलाइन बुक माई शो से परचेज करते हैं तो उसमें आपको 100 से 400 तक के चार्जेस मिल जाएंगे। ये है आज के आर्टिस्ट जो आज आने वाले हैं, ये उनका लाइनअप है कि किस किस टाइम पे आपको कौन कौन से आर्टिस्ट लाइव परफॉर्मेंस में मिल जाएंगे। तो हमने अपनी टिकट ऑनलाइन बुक करी थी, तो हमने कलेक्ट कर ली अपनी टिकट, और अब चलते हैं अंदर। तो एंट्री करते ही आपको यहाँ पर आपकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक हो सके इसलिए इस तरीके के फोटो बूथ मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप खाने पीने के और म्यूजिक एंजॉय करने के अलावा शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले आपको शॉपिंग आउटलेट दिखाते हैं कि कौन कौन से स्टॉल्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला स्टॉल है यहाँ पर औषधा, जिनके पास बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स है, चाहे वो हैंडमेड सोप्स हो या फिर ऑयल हो, शैम्पू हो, कंडीशनर हो, तो काफ़ी वाइड रेंज है इनके पास, और सारे प्रोडक्ट्स इनके केमिकल फ्री हैं। तो शैम्पू की रेंज इनकी स्टार्ट होती है 1100 रुपये से, और इनका एक ट्राई ऑन पैक भी है जो कि 300 में, जिसमें आपको शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल सब मिल जाता है छोटे ट्रायल पैक्स में, ताकि आप उसको पहले इस्तेमाल कर सकें, उसके बाद आप फिर बड़े पैक पे इन्वेस्ट करें। तो ये चीज़ भी काफ़ी सही है इनकी। द नेक्स्ट स्टॉल है द टिनी अफेयर्स, और इनके पास थे सारे की रेजिन से बने हुए प्रोडक्ट, चाहे वो कॉम्ब हो, ब्रेसलेट्स हो, नेक चेन्स हो, पेंडेंट हो, इयररिंग हो, हर चीज़ इसी से बनी हुई है, और ये रियल फ्लावर्स हैं इसके अंदर आप देख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स थे इनके पास, इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 200। इनके पास डिफरेंट ब्रेसलेट्स थे, इस तरीके के बड़े वाले ब्रेसलेट्स भी हैं डबल चेन वाले, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस थी 300। ऐसे वाले रेजिन से बने हुए ब्रेसलेट्स थे इनके पास, इनका प्राइस था 450। तो स्टार्टिंग रेंज इनकी हैगी 100 और 150। तो ये जो पेंडेंट सेट है अल्फाबेट वाला, ये वाले हैंगे सबसे मिनिमम रेंज में, और आपको हर अल्फाबेट मिल जाएगा इनके पास। बाकी मैक्सिमम रेंज इनकी लाख तक जाती है, जो कि ये बता रहे हैं कि ऊपर ये पिक्चर में जो आपको दिखाई दे रही है ये 6 फुट की डेकोर आइटम है, और इसका प्राइस है 1 लाख रुपए। बाकी पीछे जो हरे कृष्णा हरे रामा वाली जो ये रेजन से बनी हुई वॉल आर्ट है, ये है 5500 की। तो काफ़ी अच्छी क्रिएटिव चीज़ें थी इनके पास, और अगर आप इन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या आपको इस तरीके की चीज़ें खरीदना पसंद है तो ये इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं,
आप चाहें तो इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टॉल है नॉट्स एंड क्राफ्ट्स का। इनके पास सारी हैंडमेड क्राफ्टेड चीज़ें थी, जैसे कि आप देख सकते हो डेकोर की आइटम बहुत सुंदर सुंदर है इनके पास। और इस तरीके की स्लैम बुक्स थी ताकि आप अपनी वेडिंग को और मेमोरेबल बनाने के लिए इस तरीके की बना सकते हैं। तो इसका प्राइस 5000 था और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बना रखी थी। मुझे बहुत सुंदर थीम लगी है। अगर आप अपनी मेमोरीज हमेशा के लिए इस तरीके से रखना चाहते हैं और स्पेशल ट्रीट करवाना चाहते हैं अपने पार्टनर को इस तरीके के गिफ्ट देकर, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी। और इसका अगर आप छोटा एल्बम लेते हैं तो वो आपको 500 का पड़ेगा। बाकी पिक्चर्स आप अपने अकॉर्डिंग लगवा सकते हैं उसमें जितने पेजेस आते हैं। ये इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरीके की चीज़ों में तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉल आता है सुमिष्का का, और इनके पास ही बहुत ज़्यादा अच्छे क्रिएटिव डेकोरेटिव आइटम्स थे, जैसे कि आप देख सकते हो आदि योगी रखे हुए हैं इनके पास, इस तरीके से ग्रैनी रखी हुई हैं, ग्रैंडपा रखे हुए हैं। तो इनके चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट थे हर किसी के। नीचे आपको डिफरेंट डिफरेंट बेल्स मिल जाएंगी, अलार्म क्लॉक दिख जाएंगी, और आजकल जो एनिमे इतना चल रहा है उनके आपको मॉडल्स दिख जाएंगे छोटे छोटे से। तो काफ़ी कुछ था इनके पास, और वही सेम प्राइस है जो यार आपको हर इवेंट में मिलता है, 200 से स्टार्ट होता है, 400-500 तक जाता है, वही सेम प्राइस था। बाकी स्टार्टिंग रेंज इनके पास थी 50 से, जो कि है की चेन में। देन यहाँ पर आपको सरोजनी एक्सक्लूसिव मिल जाएगा, और इनके पास काफ़ी अच्छी आइटम्स थी स्पेशली बैग्स में, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। आप आगे देखोगे, चाहे वो एक्सेसरीज हो, बैग्स हो, अंदर वाली आइटम आप देख सकते हो 150 की सेल का साइन लगा हुआ है वहाँ पर। देन बैग्स में काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, ईयरिंग्स आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मिल जाएंगे, कोई 550 का है, कोई 750 का है, कोई 1000 में भी है, तो हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है। बाकी बैग्स इनके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, तो ये ज़ारा का बैग था इनके पास ग्रीन वाला, आप देख सकते हो। तो अब एक्चुअल ज़ारा का प्राइस तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। बाकी इनके पास ये 900 में है, और बैग्स में इनके पास और भी अच्छी अच्छी कलेक्शन थी, जैसे कि आप इनकी ये लिमिटेड एडिशन कलेक्शन देख सकते हो। ये बड़ा क्यूट सा लग रहा है बैग, इसका प्राइस वैसे 1000 था, बाकी डिस्काउंट के बाद ये आपको 900 का पड़ जाएगा। ये इनकी एक्सक्लूसिव कलेक्शन थी ये आउल वाली, इसका प्राइस है 3500, और डिस्काउंट के बाद आपको ये पड़ जाएगा 2600-2700 का। तो कलेक्शन काफ़ी यूनिक थी इनके पास, और इनका इंस्टाग्राम स्टोर भी है, बाकी इनका खुद का आउटलेट भी है अगर आप जाना चाहें इनके शॉप पर। तो जैसे कि इनके कार्ड में मेंशन है, आप देख सकते हो ये इनका कार्ड, इनकी स्टोर की डिटेल लिखी हुई है, आप जाएं तो विजिट कर सकते हैं वहाँ पर। देन यहाँ पर है मेशवा, जिनके पास भी सब हैंडमेड क्राफ्टेड सामान है, जैसे कि आप देख सकते हो ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इस तरीके के सामान है इनके पास, क्लचेस हैं, क्लिप हैं, वॉल आर्ट हैं, इस तरीके के पॉप सॉकेट हैं जिनका प्राइस है 100 रुपीज़, ये सब रेजिन से बने हुए हैं, पेन होल्डर है इनके पास, तो बहुत सारी वैरायटी है। 100 रुपीज़ इनकी मिनिमम प्राइस है, और मैक्सिमम जाती है जो फ़िलहाल इनके यहाँ पर स्टॉल पे अवेलेबल थी वो थी 700 की, और उसमें आता है ये वॉल आर्ट। देन यहाँ पर आपको गेम्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि आपको हर इवेंट में मिल जाते हैं, पूरा कार्निवल वाला गेम्स जो होते हैं, तो आपके 100 रुपीज़ पर गेम चार्जेस हैं। तो सबसे पहला गेम जो है यहाँ पर वो है रिंग टॉस, और आपको लिखी हुई इंस्ट्रक्शन कि आपको क्या क्या करना है, और सामने बॉटल्स रखी हुई हैं, आपको रिंग टॉस करके उन बॉटल्स में डालनी है। देन इसके बाद नेक्स्ट गेम जो है वो है बास्केट टॉस, आपको नीचे यहाँ पर बॉल्स रखी हैं, वो आपको आपको बास्केट में डालनी है सामने, और वो नंबर बन जाएगा, देन आपको प्राइज मिल जाएगा। देन यहाँ पर है हुक टॉस, तो रिंग्स रखी हुई थी यहाँ पर, और आपको एम करनी है सामने जो हुक है, अगर वो हुक में चली जाती है तो आपको प्राइज मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये वाला डिफरेंट था,
और थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि रिंग आपको यहाँ से फेंकनी है तो वो बहुत मुश्किल से ही जाएगी अगर गई तो। देन यहाँ पर फीड द जोकर है, आपको 5 चांसेस मिलते हैं, आपको 3 बॉलें जोकर के मुंह में डालनी है और इन सबके चार्जेस 100 रुपीज ही हैं। आप कोई सा भी गेम खेलो, ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपीज लेके सारे गेम खेल दोगे, हर किसी गेम का 100 रुपीज चार्ज आपको देना पड़ेगा। देन यहाँ पर नेम द पिरामिड है, सामने पिरामिड बनाया हुआ है, आपको चांस मिलेगा तो आपको बॉल से उसको एम करना है, अगर आप गिरा देते हैं सारी गेम्स को तो आपको प्राइज मिल जाएगा। देन नेक्स्ट आता है विरासत, इनके पास भी होम डेकोर की काफ़ी अच्छी आइटम थी, चाहे वो इस तरीके की ऐश ट्रे हो या फिर ये अगरबत्ती रखने का स्टैंड हो, इस तरीके के एलिफेंट्स हो, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें थी इनके पास। स्टार्टिंग प्राइस इनके पास था 150 जो कि ऐश ट्रे का है, बाकी ये जो कपूर अगरबत्ती रखने का स्टैंड जो है इसका प्राइस है 200 और ये इनका बेस्ट सेलर था, सबसे ज़्यादा यही सेल हो रहा है शायद, ऐसा उन्होंने कहा। बाकी जो सामने आपको गणेश जी दिखाई दे रहे हैं ये है 5500 के और गणेश जी से महंगी था ये मिरर, इसका प्राइस था 7000। देन यहाँ पर आपको मिल जाए टीजी मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी, जहाँ पर फेस पेंटिंग हो रही थी, हेयर ब्रेडिंग हो रही थी और चार्जेस 150 ईच थे, चाहे आप हेयर ब्रेडिंग करवाएं या फिर फेस पेंटिंग करवाएं। बाकी ये मेकअप भी करती हैं, ब्राइडल भी करती हैं, तो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो इनका कार्ड यहाँ पर मेंशन है, आप चाहे तो इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल इनकी लिखी हुई है और ये पीछे हेयर ब्रेडिंग हो भी रही है आप देख सकते हो। देन यहाँ पर था ये गेम, अगर आप 1.5 मिनट तक इस पर हैंग करते हैं, लटकते हैं, तो आपको 500 रुपये का प्राइज मिलेगा और इसकी एंट्री फीस थी 150 रुपये। तो यहाँ पर भी हो रही थी हेयर ब्रेडिंग और फेस पेंटिंग, तो हेयर ब्रेडिंग के चार्जेस यहाँ पर थे 80 रुपीज और अगर आप फेस पेंटिंग करवाते हैं तो आपको उसके चार्जेस देने पड़ेंगे 150, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला फूड आउटलेट आपको मिलेगा यहाँ पर स्लीपी आउल कॉफ़ी का और ये उसका मेन्यू दे रखा है कि आपको यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा। देन उसके बाद आता है बर्गर किंग, फिर उसके बाद है स्किपर्स कैफ़े और ये है उसका मेन्यू कि यहाँ आप क्या खा पी सकते हैं, वो सारी विद प्राइस मेंशन है यहाँ पर कि क्या क्या आपको मिल जाएगा। देन इनके आगे यहाँ पर है 24/7 और ये है उसका मेन्यू कि आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा खाने को, तो खाने की काफ़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पर और हर तरीके का खाना आपको मिल जाएगा। देन ऑफ कोर्स फूड फेस्टिवल है तो आपको बार भी मिल जाएगा और ये है उसका मेन्यू कि आपको कौन कौन सी ड्रिंक्स किस किस प्राइस पे मिल जाएंगी, वो सब यहाँ लिखी हुई हैं। देन सबके अलावा भी आपको यहाँ पर काफ़ी फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको छोले भटूरे मिल जाएंगे, इसके आगे ही हैगा बीजीज कैफे जहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको मिल जाएंगी वो सब लिखी हुई है। टेस्टी चाइनीज फूड फास्ट फूड भी है, उसका मेन्यू आपके सामने है कि आपको क्या क्या खाने पीने को मिल जाएगा यहाँ पर। देन अरोरा लेमन सोडा मिल जाएगा जो कि आजकल काफ़ी नाम चल रहा है इनका। कक्कड़ की चाप भी मिल जाएगी आपको यहाँ पर, उसका मेन्यू आपके सामने। तो फूड आउटलेट्स फूड स्टॉल्स आपको काफ़ी मिल जाएंगे यहाँ पर, आपको फूड फेस्टिवल और फूड ही ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो खाने पीने के आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे और प्राइस भी नॉर्मली है, ज़्यादा हाई नहीं है, रीज़नेबल ही है,
जितना नॉर्मल मार्केट में मिलता है या फिर जितना इनके फूड जॉइंट्स पे मिलता है उतना ही प्राइस है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। तो वैरायटी आपको काफ़ी मिल जाएगी यहाँ पर। चाहे वो पंजाबी फूड हो, कोरियन फूड हो, जैपनीज फूड हो, हर तरीके का फूड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वेज नॉन वेज हर तरीके का। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खाना आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है यहाँ पर। तो ये तो हो गई खाने की बात, अब चलते हैं म्यूज़िक की तरफ और यहाँ के लाइव कॉन्सर्ट को इन्जॉय करते हैं। जिस मोमेंट का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। कुछ ही देर में स्टेज पे आने वाले हैं आपके फेवरेट absolutely
बोतल भर की घुट घुट करके पी वे मैं बोतल भर की घुट घुट करके पी वे मैं बोतल भर की घुट घुट करके पी वे मैं हाय जमीला ओए होए 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 जमीला सारे जाने सबसे पहले म्यूजिक मसाला फेस्टिवल जिन्होंने फेस्टिवल कराया इनको बहुत सारी शुभकामनाएं इनके नाम पे शोर मचा दो यार और दूसरा हमारी नोएडा पुलिस के नाम पे शोर मचा दो सारे जाने यार तो एक दो सैड गा के फिर नाचते हैं ठीक है मैं सब कुछ छड़ देता तेरे करने के तेरे उतो सब कुछ तेनू पता ता है पर फिर तेरे लिए मैं यारा वे लगा दो सर के हारी बैठिया नहीं गवारी बैठिया तेरी वे यारी जिस माँ तक है सारी दी सारी यारी यारी तेरी वे यारी जिस माँ तक है तका होना मेरे नाल है मैनू पता बस लारे वे तो प्यारी क्या रोना
पीछे पीछे